जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर को चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ और भी बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए जिसको मैंने ब्रीफ में एक वीडियो में बताया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले जरूर देख ले ताकि आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट ना हो। तो चलिए अब बताते हैं कि अब आप अपना सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है या कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। मैं अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं। इसके बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना होगा paisabazaar.com। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं paisabazaar.com। इसके बाद में उसका साइट आपको सबसे पहले ओपन हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, गेट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट स्कोर एंड रिपोर्ट। आप ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा, चेक क्रेडिट स्कोर इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन में फुल नेम यानी अपना नाम डालना है अपने पैन कार्ड या बैंक के आधार पर, और अपना ईमेल आईडी यहां पर डाल देंगे जो बैंक से लिंक हो, और मोबाइल नंबर डाल देंगे जो बैंक से लिंक हो। इसके बाद में गेट प्री क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको इंटर कर देना है। आपका ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, देखिए मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, इसके बाद में आगे के लिए ये प्रोसीड होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे के लिए ये प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर लेना होगा, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में नीचे है डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर कर लेना होगा, पिन कोड आपको इंटर कर लेना होगा जहां पर आप जॉब करते हैं, यानी फेमस पिन कोड यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने गांव का पिन कोड इंटर करें, कोई भी पिन कोड आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोई फेमस पिन कोड करें जहां पर आप जॉब कर रहे हो। तो इसके बाद में पिन कोड डालने के बाद में आप गेट योर क्रेडिट स्कोर इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दे चुका हूं। इसके बाद सामने तीन ऑप्शन आएंगे कि आप सैलरी पाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आपके पास बिजनेस है, तो जो भी आप इसके अंडर आते हैं उसको आप चूज कर लेना है। तो मैं सैलरी जॉब करता हूं तो मेरा है सैलरीड, तो मैं सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, बिजनेस एम्प्लॉय है तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर एम्प्लॉयर नेम में अपने कंपनी का नाम डालेंगे और पर मंथ आपकी सैलरी कितनी है मंथली इनकम वाले ऑप्शन में डालने के बाद में व्यू रिपोर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। मंथली इनकम आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जितना हो उतना ही डाले। इसके बाद में आपको क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका क्रेडिट स्कोर यहां से दिख जाएगा। देखिए मैंने ये पहली बार क्रेडिट स्कोर चेक किया है तो इस बंदे का क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। अब मैं, अगर आपके पास कोई इससे पहले क्रेडिट कार्ड नहीं है, लोन नहीं है, तो आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हो सकता। आपको दोनों में से या तो लोन होना चाहिए या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। तो यहां पर मैंने पहली बार चेक किया तो मेरा क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, ऐसे आप यहां से देख सकते हैं। अगर क्रेडिट स्कोर जनरेट हुआ होता तो यहां पर लिखा हुआ आ जाता। फिर मैं एक अदर अकाउंट लॉगिन करके जाता हूं, पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूं थ्री लाइन पे क्लिक करके, और एक अदर अकाउंट लॉगिन करता हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्रेडिट स्कोर क्या होगा, जनरेट हो चुका होगा। तो मैं लॉगिन वाले डायरेक्ट, जैसे दोबारा आपको लॉगिन करना होगा तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जो आपने इससे इंटर किया था उस मोबाइल नंबर को यहां पर इंटर करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे, और यहां पर आपको दिखने लगेगा आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर कितना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहां से देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है यूक्यूफैक्स, ये किसी काम का नहीं है, आपको सिबिल स्कोर चेक करना है। आपको यूक्यूफैक्स ऐसा कोई अगर ऑप्शन आता है तो ऊपर क्रॉस वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हटा देना है। तो है देखिए, सबसे पहला है यूक्यूफैक्स, इससे किसी काम का नहीं है आपका, CRIF भी किसी काम का नहीं है, एक्सपायरन भी किसी काम का नहीं है। आपका जो मेन काम है वो है सिविल, तो आपको सिविल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा।
जैसे ही सिविल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा गुड है, 787 सिविल स्कोर है, एक घट चुका है, 300 से 900 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो काफी अच्छा माना जाता है। तो मेरा तो 787 है, मतलब मुझे क्रेडिट कार्ड या लोन मिल सकता है। यहां से आप देख सकते हैं गुड कंडीशन में मैं चल रहा हूं। यहां से आप देख सकते हैं सिविल स्कोर को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो भी सिविल स्कोर बढ़ेगा, लोन होगा बढ़ेगा। फिर आपको क्लिक करना है चेक रिपोर्ट चेंजेस, इस पे क्लिक करेंगे। अभी हाल ही में मैंने दो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था जो रिजेक्ट हो चुका है, तो दो इंक्वायरी यहां पर दिखा रहा है। पहला है IDFC बैंक का और दूसरा है एक्सिस बैंक का। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो ये एक रॉन्ग मतलब इंपैक्ट जाता है जिसे कि आपका सिविल स्कोर डाउन है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपका सिविल स्कोर हाई होता है, अगर रिजेक्ट होता है तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। फिर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, क्रेडिट रिपोर्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे और आपका दोबारा यहां से क्रेडिट का रिपोर्ट दिखने लगेगा, सिविल स्कोर दिखने लगेगा। यहां से देख सकते हैं मेरा सिविल स्कोर एक कम हो गया, यानी पहले 788 था अब 787 हो चुका है। फिर मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगा और पूरा डिटेल चेक करूंगा। पहला है पेमेंट हिस्ट्री, मैं 100% यानी कि टाइम टाइम पे पेमेंट कर देता हूं क्रेडिट कार्ड का और लोन का भी। क्रेडिट कार्ड मैंने 9% यूज कर चुका हूं। मेरा जो क्रेडिट कार्ड 6 महीने पुराना है, यहां से आप देख सकते हैं मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड यानी लोन और क्रेडिट कार्ड मिला के 2 अकाउंट है। मैंने 4 क्रेडिट कार्ड के लिए मतलब की इंक्वायरी कर चुका है जो एक गलत इंपैक्ट डालता है, लो इंपैक्ट डालता है। तो आपको ज्यादा इंक्वायरी बिल्कुल नहीं करना है, सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। टोटल अकाउंट लो इंपैक्ट क्योंकि मेरे पास 2 अकाउंट है, जितने अकाउंट आपके पास होंगे उसी हिसाब से आपका सिविल स्कोर बढ़ता भी है। आपको टाइम पे पेमेंट करना है। फिर इसको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको टोटल अकाउंट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहां देख सकते हैं मेरे पास 3 अकाउंट थे जिसमें से मेरा 2 एक्टिव अकाउंट है, एक मैंने क्लोज कर चुका हूं। पहला देखिए मेरे पास है SBI कार्ड का क्रेडिट कार्ड है जिसका आपको यहां से लिमिट 12,000 है। इसके बाद में देख सकते हैं लोन का है IDFC का जिसका लिमिट है 28,000। इसके बाद में धनी लोन का है जिसको मैं बंद कर चुका हूं, 2 स्टेम में मेरा एक्टिव चल रहा है, एक बंद हो चुका है। यहां से सारी जानकारी आप अपना देख सकते हैं कि आपके पैन कार्ड पे कितना क्रेडिट कार्ड है, कितना आपने लोन चुके हैं, सब कुछ यहां से पूरी जानकारी देख सकते हैं। क्रेडिट इंक्वायरी पे जाएंगे, यहां देखिए मैंने 4 क्रेडिट इंक्वायरी कर चुका हूं, लोन 0 किया हूं। इसके बाद में IDFC के लिए किया था, एक्सिस बैंक के लिए किया था, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड किया था और SBI कार्ड का क्रेडिट कार्ड किया था। चारों की चारों रिजेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए ये मेरा लो इंपैक्ट डाल रहा है मेरे सिविल स्कोर पे, इसलिए सिविल स्कोर बढ़ता नहीं है। तो आपको ज्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी नहीं करना है, आपको सैलरी अगर आपकी अच्छी तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। टाइम पे पेमेंट कर देता हूं, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं उसका टाइमली पेमेंट मैं कर देता हूं। यहां से आप देख सकते हैं 100% पेमेंट दिखा रहा है, यानी कि कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अगर आप टाइम पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास ज्यादा ही इंक्वायरी नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए तो आपका सिविल स्कोर हाई होता है। अगर आप अपना सिविल स्कोर पर डे चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर कोई बैंक चेक करता है तो वो एक लो इंपैक्ट डालता है आपके सिविल स्कोर पर। इसीलिए जब भी आप अप्लाई करें एक बार जिसको चेक कर लीजिए। और मैंने एक वीडियो भी बना दिया हूं कि किस किस कारण आपका क्रेडिट कार्ड जो है और लोन रिजेक्ट होता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको तो आप जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं जो आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी अपने सिविल स्कोर के बारे में, यहां से आप हमेशा लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही कोई मैं इसके बारे में दोबारा वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको उसके बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।